हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरसा की दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो मैं आ जाई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा रेसिपी लेके। तो आप ये सब ये देख के आप जान ही गए होंगे कि क्या रेसिपी है। तो आप जैसे कि जानते हैं जो बरसात के दिन आते हैं तो ये मौसम जैसे मौसम वाले फल होते हैं उस टाइप के मौसम की कुछ सब्जियाँ भी होती है जो खास उसी मौसम पर मिलती है। तो ये हमारे यहाँ मौसम ये इस मौसम में बरसात के मौसम में ये रुगड़ा आता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग तो इसको रुगड़ा ही बोलते हैं और पुटकू भी इसको बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। तो आइए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से पूरा धो लिया है, इसके ऊपर पूरी मिट्टी जमी हुई रहती है तो मैंने इसको अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है पूरी तरह से। तो आइए इसको कट करते हैं। यह मैंने प्लेट ले लिया है और इसको बस बीच से ऐसे करके कट करेंगे दो हिस्सों में, ठीक है। तो इस तरह सारे कट कर लेते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी जो आपको बेहद पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन लगे वो भी कमेंट करना ना भूलें। तो आइए मैं आज आपको इसका बहुत सिंपल एंड क्विक रेसिपी बताऊंगी जो हर कोई बना सकता है, चाहे कोई कॉलेज में रहता हो, हॉस्टल में रहता हो, कोई बाहर रहता हो, कोई जेंट्स हो, कोई लेडी हो, कोई भी जिसको नहीं आता है बनाना वो भी इजीली इसको बना सकता है। मैं इसका बहुत आसान सा रेसिपी, जितना भी इसमें मसाले लगेंगे वो मैं सारे पाउडर मसाले से बनाऊंगी। तो आइए इसको पहले सारा कट कर लेते हैं। मैंने सारे रुगड़ा को कट कर लिया है, या फिर आप पुट्टू भी बोल सकते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो जरूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे इसको कट कर लिया है। ये मिट्टी के साथ 1 पाव आया था, 250 ग्राम आया था मिट्टी के साथ, तो मैंने मिट्टी हटा लिया। तो लगभग इसमें 150 से 200 ग्राम मटेरियल बचा है। मैंने 4 बड़े प्याज को कटिंग कर लिया है, ये भी आपका 200 ग्राम के लगभग में होगा। 200 ग्राम प्याज को मैंने अच्छी बारीक तरह से कट कर लिया है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सारे पाउडर मसाला यूज करूंगी, तो मैं सीधे आपको रेसिपी ही सारा कुछ बताते जाऊंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो मैंने एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है। आप ये सब्जी बनाने के लिए ज़्यादातर प्रेफर करें एल्युमिनियम का कढ़ाई ही, क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने ये कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है आप देख सकते हैं। तो आइए इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और तेल को ऐसे चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे जिससे सब्जी चिपके ना कढ़ाई पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल पूरा गर्म हो चुका है। तो आइए कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने दालचीनी की डंटियाँ ली हैं, 1 मैंने बड़ा इलायची लिया है और 4 मैंने छोटी इलायची ली है, कुछ तेज पत्ते लिए हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ा सा हींग लिया है और 2 हरी मिर्च। ये सारे खड़े मसाले हैं, इसको हम इस पर डाल देंगे। इसके तुरंत बाद डालेंगे इसमें कटे हुए सारे प्याज। अब इसको सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को आप थोड़ा सा यहाँ पे हाई कर सकते हैं ताकि जल्दी से रोस्ट हो जाए। हम सारा इस पर खड़े मसाले से सारा बनाएंगे, ठीक है, और पाउडर वाले मसाले से, उसे पीस के कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो आप इस रेसिपी को आराम से इजीली कभी भी कहीं भी बना सकते हैं। तो इसको हाई फ्लेम में 2 मीडियम तक भून लेंगे। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे इस पर और 1/2 चम्मच हल्दी, नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम में अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ढक करके। मिनट हो गया, अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं
ये अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्लेम को अभी थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको एक बार और अच्छा से सोटे कर लेंगे। अब देख सकते हैं एकदम इस टाइप का फ्राई होना चाहिए। अब इसमें हम एक एक चीज़ ऐड करते जाएंगे। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। टमाटर को मैंने थोड़ा सॉटे कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट जो होममेड है, ठीक है। आइए इसको ऐड करते हैं। तो ऐड हम इसको एक बड़ा चम्मच करेंगे। अगर आप सावन मान रहे हैं पूरी तरह से और अगर आप लहसुन नहीं खा रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा धनिया ऐड करके और फिर इसको फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आता है। कभी आप मेरी सेम रेसिपी फॉलो करके बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इसको भी एक बार सॉटे कर लेते हैं अच्छे से। तो इसको लगभग 2 मिनट और फ्राई करेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। इसको और अच्छे से हाई फ्लेम में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप इसको एक बार ढक के भी फ्राई कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए, और फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा। तो इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं, 2 मिनट हो गया, ठीक है। तो अगर आप मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा ऐसे भी। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ, या फिर अगर आप ब्रेड ऐड करना चाहें तो आप ब्रेड के साथ भी इसको ईजिली खा सकते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है। अगर आप इसको बिना मसाले के खाना चाहें तो आप इस तरह खा सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ हम सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो ये हमारे मसाले की डिब्बी आ गई है। तो हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे होममेड धनिया 1 चम्मच और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ठीक है। 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर जो कि होममेड है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन मसाला करीब 2 चम्मच, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे मटन मसाला 2 चम्मच। और पनीर मसाला 2 चम्मच। जो MDH के मसाले आते हैं ना, मैं वही सारा मसाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे एंड 5 मिनट हो गया, इसको ओपन करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है।